हेलो एवरीवन आज की वीडियो में मैं बालों को ब्लीच करने जा रही हूँ फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी तरह से आप अपने बालों को घर पर ब्लीच कर सकते हैं और एकदम ब्लॉन्डेड कलर पा सकते हैं तो यहाँ पर मैं हनी ब्लॉन्डेड कलर कर रही हूँ और कुछ भी आपको और एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं करना है तो यहाँ पर है ये मेरे पास ऑक्सीग्लो का हर्बल पर्ल ब्लीच है ये बहुत ही अच्छी क्रीम है इसकी जो मैंने रिव्यू दिया है सारी डिटेल में जानकारी दी है तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं इसको कहाँ से परचेज करना है कितना ग्राम है और कितना कैसा है तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं तो हम अपने बालों को ब्लीच करेंगे तो जाहिर सी बात है इतनी छोटी इसके साथ ट्रे और स्पैचुला है तो ये यूज़ में नहीं आ पाएगी तो हम थोड़ा बड़ा बोल ले लेते हैं और उसमें कम से कम हमें चार स्पैचुला के करीब क्रीम ब्लीच चाहिए और उसके बाद में आप देख लें आपकी हेयर लेंथ कितनी है उसी के अनुसार ले लीजिए और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और अब हमें इसमें इतनी क्रीम ली है तो अब हमें इसमें थोड़ा ज़्यादा ब्लीच पाउडर जो एक्टिवेटर है वो भी ऐड करना है तो मैंने लगभग आधा टीस्पून इसमें एक्टिवेटर ऐड किया है और इसके बाद में इसको अच्छी तरह से घोल लेते हैं तो इसको हमें अच्छे से घोलना है क्योंकि जो पाउडर होता है वो थोड़ा क्रिस्टली होता है तो थोड़ा देर में इसमें मिक्स होता है तो इसको अच्छे से घोलना है घोलने से ये घुल जाएगा और जो क्रीम है थोड़ी फ्लपी हो जाएगी अब हम इसको यूज़ करेंगे तो यूज़ करने के लिए हम ग्लव्स पहन लेते हैं क्योंकि थोड़े से हाथ पे वाइट वाइट न निशान आ जाते हैं तो अब अपने बालों को पूरे बालों को आपको जहाँ तक इसको ब्लॉन्ड करना है जहाँ तक आपको इसको कलर करना है ब्राउन कलर करना है तो वहाँ तक सारे एक सार लगाना है क्रीम को आपको ख़ास ख्याल रखना है कि कोई भी पार्ट ऐसा ना लगे पैची नहीं होना चाहिए कलर जैसे ये बहुत सारा लगा है तो आपको यहाँ से हटाना है और उसके बाद में पूरे बालों पर फैलाना है कहीं भी बालों पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एकदम थोप दिया है और अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए हेयर्स पे तो आप बालों को ज़्यादा से ज़्यादा बालों के ऊपर अपना हाथ फेरें अपने ब्रश को या फिर हाथ से जैसे भी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको बार 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 ऐसे करके फेरें जिससे कि उसमें जो एक साइड में काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाता है तो वो इकट्ठा ना हो और पूरी तरह से सारे बालों में मिक्सअप हो जाना चाहिए ऐसे करके आप अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपके बाल कहीं से पैची लगेंगे ऐसा नहीं होगा आप अच्छे से पूरी तरह से मिक्स कर दीजिए ये ऊपर की साइड है इसको भी आपको पूरे बालों में ऐसे फैलाना है बिल्कुल अच्छे से लगा देना है और उसके बाद में आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा और जो आप मार्केट में पार्लर में जाके इतना महंगा कलर करवाते हैं तो उतना खर्चा नहीं आएगा अब हमें क्या करना है ये देखिए पूरी तरह से मिक्स हो गया है अब आप बालों को अच्छी तरह से बैंड कर दीजिए कोई भी क्लिप लगा दीजिए और उसके बाद में उसको क्लिप से सेपरेट कर दीजिए और छोड़ दीजिए आप चाहो तो इसको थोड़ा सा हीट भी दे सकते हो तो उसके लिए आप इस पर पे फॉइल पेपर भी लगा सकते हो अगर फॉइल पेपर नहीं है आपके पास तो आप कोई भी पॉलीथीन होती है उससे रैप कर दीजिए थोड़ी देर के लिए दस मिनट के लिए ही रैप करना है ज़्यादा नहीं क्योंकि वो अंदर से हीटेड हो जाता है तो आपको गर्मी लगने लगेगी तो उसके बाद में अगर आपको ये नहीं करना है तो आप कोई ब्लोअर ले लीजिए तो उससे थोड़ा सा इसको हीट दे दीजिए तो उससे काफ़ी अच्छा कलर आता है इस बात का आपको ख़ास ख्याल रखना है कि आपको और अच्छा कलर लेना है तो आप इसको थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं उसके बाद में आप इसको छोड़ दीजिए तो आपको कम से कम एक घंटे तक इसको लगाना है फोर्टी फाइव मिनट्स भी आप लगा कर अच्छे से वॉश कर लीजिए कंडीशनर लगा लीजिए और फिर आप देखेंगे कि आपके जो हेयर सेट कितने अच्छे आपको रूट्स पर बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है और ये देखिए कलर कैसा आया है अगर आप रूट्स पर बिल्कुल अंदर तक अप्लाई करेंगे तो आपके जो हेयर है वो काफ़ी पैची पैची से लगने लगेंगे तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए बाय बाय